तनिष्क कैट पर बवाल, ट्विटर हैंडल पर ट्रेंड और उसके बाद तनिष्क का इस विज्ञापन को हटाना। जी हाँ, इन दिनों ट्विटर हैंडल पर जैसे बॉयकॉट तनिष्क की बाढ़ से आ गई, क्योंकि तनिष्क के एक वीडियो पर ऐसा बवाल मचा कि ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड होने लगा। जी हाँ, #boycottTanishq। दरअसल तनिष्क ने त्योहारों से एन पहले अपनी ज्वेलरी का प्रमोशन करने के लिए ऐड बनाया था, जिसमें तनिष्क ने एक विज्ञापन जारी किया, लेकिन ये विज्ञापन ही परेशानी का कारण बन गया, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताया गया। आपको बता दें कि इस विज्ञापन में था क्या। इस विज्ञापन में एक हिंदू महिला को दिखाया गया है जिसके एक मुस्लिम परिवार में शादी हुई है, और इसी वीडियो में इस महिला की गोद भराई की रस्म दिखाई गई। खास बात यह है कि मुस्लिम परिवार सभी रस्मों को हिंदी रीति रिवाज के अनुसार करता है, लेकिन इस विज्ञापन के सामने आते ही इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया और अकेले ट्विटर पर ही 19,000 से ज्यादा लोगों ने इस विज्ञापन को प्रतिबंधित करने की मांग कर डाली, और कुछ ही वक्त में ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड होने लगा। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड होने के बाद इसको लेकर लगातार लोगों के ट्वीट आने शुरू हो गए, जिसके बाद कई फिल्मी हस्तियों और राजनीतिक हस्तियों ने इस विज्ञापन को लेकर ट्वीट किए। इस विज्ञापन को लेकर मशहूर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने जहां इस विज्ञापन को बेहद खूबसूरत बताया, इस विज्ञापन के सामने आने के बाद दिव्या दत्ता का भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि ये मेरी आवाज है, लेकिन दुख की बात है कि इसे ऑफ एयर कर दिया गया। इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, जिस पर सबसे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा कि हिंदुत्व के कट्टर लोगों ने तनिष्क ज्वेलरी का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। अगर हिंदू मुस्लिम एकत्वम एकता उन्हें बहुत परेशान करती है, तो वो दुनिया में सबसे लंबे वक्त तक जीवित रहने वाले हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भारत का बहिष्कार क्यों नहीं करते। इसके बाद अभिषेक सिंघवी ने भी ट्वीट किया। इसके बाद इस मामले पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में खुलकर बोलने वाली कंगना रावत भी कूद पड़ी। कंगना रावत ने अपने ट्विटर पर लिखा कि ये विज्ञापन कई मायनों में गलत है और ये विज्ञापन लव जिहाद को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर इतने बवाल के बाद तनिष्क ने इस वीडियो को हटा दिया। इसके बाद तनिष्क ने अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस फिल्म को लेकर गंभीर प्रतिक्रियाएं उनके सामने आई हैं। ऐसे में हम अनजाने में लोगों की भावनाओं के हुए नुकसान के लिए दुख प्रकट करते हैं और अपने इस विज्ञापन को वापस लेते हैं। कुल मिलाकर तनिष्क के इस विज्ञापन पर जबरदस्त बवाल हुआ और आखिरकार तनिष्क को यह विज्ञापन वापस लेना पड़ा। लेकिन इस विज्ञापन को लेकर चर्चाओं का दौर अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।